नमस्कार, और कैसे हो? तो आज अपन जोतने वाला खेत था उसमें जुताई करवा रहे हैं। तो ये खेत तो अपने घर से काफ़ी दूर पड़ता है, लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है अपने घर से। तो इधर पानी वानी की कोई सुविधा नहीं है, मतलब सिंचाई की, सारी फसल बारिश पे डिपेंड है। तो अभी तो कोई फसल की बुआई नहीं होगी, बुआई तो लगभग 1-1.5 महीने बाद जब बारिश होगी तभी होगी, लेकिन ये जुताई करवानी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने खेत में जुताई स्टार्ट हो गई है, लगा हुआ ट्रैक्टर वाला। और ये इस टाइम की जुताई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि एक तो अभी फसल कटाई कंप्लीट हो चुकी है सब खेतों की, सब खेत खाली पड़े हैं और गर्मी बहुत भयंकर पड़ने लगी है। तो एक तो ज़मीन का मुंह खुल जाता है इससे, और दूसरा भयंकर गर्मी से खेत तपने लगते हैं और इस तपन से जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं खेत के वो सारे नष्ट हो जाते हैं और अपना खेत उपजाऊ बना रहता है। और दूसरा जब बारिश होगी 1-1.5 महीने बाद तो अपने को खेत पहले से तैयार मिलेगा, फिर जुताई नहीं करनी पड़ेगी। और पहले से तैयार मिलेगा तो तुरंत हम अपने बीज की बुआई कर देंगे। तो इसलिए ये गर्मियों वाली जुताई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लो भाई, आपको खरगोश का बच्चा दिखाता हूँ। ये जंगली खरगोश का बच्चा है और इसके जो खून सा लगा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये क्या है कि एक खून पीने वाले वो होते हैं, चिचड़ बोलते हैं, बड़े बड़े चिचड़, बड़ी साइज़ के, तो वो बहुत से चिपटे हुए थे इसके गर्दन के बार बार के, तो मैंने तोड़ दिए तो उनसे खून आने लगा। तो ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, तो खून तो रुक जाएगा, बस थोड़ा सा ऐसा निकलता ही है। अपने पशुओं के बहुत चिपकते हैं, तो ऐसे भाग रहा था मैंने इसको तो पकड़ लिया।
तो जुताई कंप्लीट कर दी हमने, सारी कंप्लीट हो गई और अब घर की तरफ रवाना होते हैं।